और बात जल प्रहार की। धार से एक खबर है, उफनते नाले को पार करना महंगा पड़ गया। नाले को पार करने के दौरान एक युवक बह गया। लोगों के मना करने के बावजूद युवक नाला पार कर रहा था। रेस्क्यू टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। धार के मुडरका गांव की यह घटना है। ये बड़ी खबर है, जहां उफनते नाले को पार करना एक युवक को महंगा पड़ गया। नाला पार करने की कोशिश कर रहा था ये युवक, और इसी दौरान युवक उफनते नाले में बह गया। उफनते नाले को पार करना इस युवक को महंगा पड़ गया। धार से तस्वीरें सामने आई हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। जेपी नड्डा की नई टीम में एमपी के तीन नेताओं को मिली जगह। कैलाश विजयवर्गीय बनाए गए राष्ट्रीय महामंत्री, सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश धुर्वे बनाए गए राष्ट्रीय सचिव। बीजेपी की नई टीम को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, बोले कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में हो चुके हैं फेल, अन्य लोगों का खुद कोई अस्तित्व नहीं। सीएम शिवराज ने राज्य पुलिस कर्मियों को की साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा। 40 साल बाद बढ़ाए गए पुलिस कर्मियों के भत्ते, पौष्टिक आहार भत्ता भी देने का सीएम ने किया ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर राजमंथन 30 जुलाई को पहुंचेंगे भोपाल। वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 2 बजे इंदौर के लिए होंगे रवाना। महाकाल का अभिषेक करने इंदौर आ रहे हैं कमलनाथ पर विधायक रमेश मेंदोला का हमला। पत्र लिखकर भक्ति के ढोंग पर जाहिर की नाराजगी। कहा कांग्रेस के विसर्जन की अंतिम इच्छा पूर्ण कर देंगे भोलेनाथ। ग्वालियर में मंत्री सिंधिया ने की मुहर्रम के मौके पर ताजिए की सेहराबंदी। कई सालों से सिंधिया राज परिवार निभा रहा सेहराबंदी की रस्म। महाराजबाड़ा के गोरखी इमाम बाड़े में रखे गए ताजिए के सामने लोगों ने पढ़ी दुआ। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में प्रशासनिक सर्जरी में जुटी सरकार। 51 अधिकारियों के तबादले, बदले गए कई डिप्टी कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे धार। करोड़ों के विकास कार्य का किया लोकार्पण। श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय को 1,05,00,000 की लागत से नवनिर्मित भवन की दी सौगात। शहडोल में स्कूल से किडनैप 5 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से आरोपी गिरफ्तार। परिजनों से 50,00,000 की मांगी थी फिरौती। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।